पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं पर दिए बयान में घिरते जा रहे हैं। हर दिन उन पर जुबानी पलटवार हो रहे हैं। मुरादाबाद में भी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के लिए दिए गए बयान पर पलटवार हुआ। हिंदू विचारक पवन जैन ने उनके दिए बयान को सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा बताया है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समाज को देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पवन जैन ने कहा कि आज सनातन पर वार किया जा रहा है और अनर्गल बयानबाजी हो रही है, जो चिंता का विषय है। पवन जैन का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बहुत नीचे गिर गए हैं। उनकी स्वीकारता खत्म हो चुकी है और उनके पास समाज को देने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उनके पास कोई काम नहीं है और ना ही उनके पास कोई विजन और लगातार पाने के लिए उन्होंने ये पक्ष में उनका सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में वह बहुत नीचे गिर गए हैं। उनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। मैं वैसे राजनीतिक विषय पर बात नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि विषय हिंदुत्व का है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। वह ऐसे हैं कि जिनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है और उनके पास समाज को देने के लिए, बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, उनके कोई काम नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये घटिया हथकंडा अपनाया है और उन्होंने इस प्रकार से वो लगातार पिछले एक डेढ़ वर्ष से हिंदुत्व के, हिंदू हमारे प्रतीकों पर, हिंदू आस्थाओं के चिन्हों पर लगातार कुठाराघात करते हैं। हमारे स्तर के व्यक्ति नहीं हैं, हम उन पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन आज आपने जब ये प्रश्न किया है तो ये बोलना हमारी मजबूरी है। एक मोहरे बने हुए हैं देश के अंदर, एक नैरेटिव चल रहा है, एक विमर्श चल रहा है और जब जब हमारे देश की ख्याति बढ़ती है, जब जब हमारे देश के लोगों का एक विश्व के अंदर एक स्थान बढ़ता है, तब तक हमारे देश के जो लोग जो विभत्स मानसिकता के हैं और जिसको कहना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, उनके उस पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा समाज, चाहे वो हिंदू समाज है या अन्य देशों, अन्य धर्मों का भी समाज है, वह भी समझता है कि उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उनको उससे लगातार नुकसान पहुंच रहा है राजनीतिक रूप से। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एक हिंदू धर्म से है, उसके बाद में इस तरीके के सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं लगता नहीं कि एक सनातन धर्म पर सीधे तरीके से चोट है? मैं ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग राजनीति में इतने नीचे चले जाते हैं कि ना इनका कोई धर्म रहता है, ना इनकी कोई आस्था रहती है, ना इनका पास कोई विजन है, ना इनकी कोई सोच है। इन्हें एक टारगेट दिया है कि हिंदू संस्कृति का विरोध करना। इनको अपने माता पिता, अपने पुरखों, अपने पूर्वजों का गौरव, ये सबके लिए इन्होंने बहुत सस्ते दामों पर उनको बेच दिया है। ये कहना चाहिए कि इतनी घटियापन पर उतर आए कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने अस्मिता के चिन्हों के लिए, और ये उसके विरोध में कुछ थोड़े से वोटों के लालच में इस प्रकार घटियापन बोलते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।